गं गणपतये नमः। हे बुद्धि के देवता गणराया, हमारे इस चंचल मन, तन और धन और साथ ही हमारे हर शुभ कार्य अपनी शरण में रखें। हम वंदना करते हैं आपकी, हमारे नेक कार्य सदा आपकी छत्र छाया में रहें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम गं गणपतये नमः। एक संस्था है जो जोड़ना चाहती है उनको जिनको सच में जुड़ने की आवश्यकता है, जिनको सच में कुछ चाहिए है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी तरह से, कि अगर आपको जीवन में कोई भी कठिनाई हो तो संगीत उसे पूरा कर देता है। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। पिछले महीने 31 तारीख को मुलुंड में हमारा लिव लाइव वेलफेयर फाउंडेशन का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों ने उसमें एंजॉय किया और उसको काफ़ी दिलों से सराहा। साथियों, 2020 का साल बहुत ही कठिनाइयों वाला साल था। 2020 के इस वर्ष में इतने प्रॉब्लम आए थे, इतनी अड़चने आई थी कि आप सब अच्छी तरह जानते हो, भलीभांति जानते हो कि हमें घर से निकलना तक दुश्वार हो गया था। लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन का एक रूम जो हमारा मुलुंड में है, जो कि हम कैंसर पीड़ित पेशेंट्स को हम देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जब उनकी ट्रीटमेंट का यहाँ टाटा हॉस्पिटल में चलता है, वो कोर्स के लिए हम उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे ऐसे ही एक घटना घटी। मार्च में दार्जिलिंग कैलिंगपोंग से एक महिला, हमारी बहन, कैंसर पीड़ित थी, अपने इलाज के लिए टाटा में आए हुए थे, और उनके यहाँ आने के बाद ये लकीली 4-5 दिनों बाद लॉकडाउन हो गया, जो बेचारे यहाँ अटक गए और जा नहीं सके। वो 105 दिन तक हमारे उस जो हमारे लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन का फ्री एकोमोडेशन है, उसमें 105 दिन तक रहे थे, जिसका कोई शुल्क नहीं है, जिसमें हमने उनके लिए खाने पीने रहने की सुविधा की है, एयर कंडीशन प्रोवाइड किया हुआ है। We came from Siliguri, Darjeeling for treatment. I would like to convey this important message to all needy people. If they need, they can contact and they can get this help from. लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ट्रीटमेंट में अड़चने बहुत आई लॉकडाउन में। आप जानते हो कि लॉकडाउन में पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रही थी, उनको डिनाय कर रहे थे एडमिशन कोविड के डर के वजह से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कनेक्ट किया, 4-5 हॉस्पिटल में, ताकि हम उसको समय पर हॉस्पिटल पहुंचा के उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। हमारे बीच हमारे एक मित्र आज पहुंच नहीं सके हैं, आ गए। हमारे मित्र विनोद जी थे, आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम विनोद जी, वेलकम। ये हमारे विनोद रामचंद्रानी जी हैं मित्र। उन्होंने जब लॉकडाउन में एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, और तब मैंने जब जब फोन किया, हमने 3-4 एम्बुलेंस बुलाई, हमारे विनोद भाई ने हमको वो एम्बुलेंस प्रोवाइड की। जब आम आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, तब ये भाई ने हमारे लिए एम्बुलेंस का प्रोविजन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया,
तीन बार चार बार हमारी एम्बुलेंस आई और हमको ऐसे ही वापस करनी पड़ गई। अंत में वो लड़ाई हार गए। दोपहर के 3 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो परिवार माताजी अपने बेटी और बेटे के साथ कैलिम्पोंग से यहाँ आए थे, 105 दिन रुके थे और उनके अलविदा कहने के बाद उनका परिवार का कोई भी सदस्य न यहाँ आ सकता था न यहाँ से वहाँ जा सकते थे। महेंद्र सर ने काफ़ी कोशिश की कि उनकी बॉडी को हम उनके गांव नेटिव प्लेस तक पहुँचाएँ, बट कोई 2 लाख मांग रहा था, कोई 4 लाख मांग रहा था एम्बुलेंस का, जो कि किसकी कैपेसिटी नहीं थी, हम नहीं दे सकते थे। उसी दौरान हमारे लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के जो हमारे मेंबर्स हैं और हमारे जो शुभचिंतक हैं, उनके सहकार्य से ही, उनके सहयोग से हमने उनका यहीं पर मुलुंड में दाह संस्कार का पूरा कार्यक्रम किया था। उनके हमारे साथियों की सेवा और उनका जो सहयोग हमारे साथ था, हम लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके आभारी हैं, आपने जो हमें सहयोग दिया, आपने जो हमको साथ दिया, हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। दोस्तों, लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा ऐसे कार्य करने वालों की सराहना करती है, उनका सत्कार करती है। मैं हमारे अध्यक्ष श्री महेंद्र दुराल जी से विनंती करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स से, जो सच्चे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने, आम आदमी जो कोरोना में बाहर निकलने से डरता था और उस समय ये बंदों ने अपनी जान की बाजी लगा की परवाह नहीं की, कोरोना का डर होना, लोगों को डर लग रहा था कि कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इन्होंने वो न करते हुए उस कार्य को अपने एक फर्ज समझते हुए पूरा किया। मैं महेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप उन सबका सत्कार करें। लॉकडाउन के इस टाइम पर जो जितने भी साथीदार हमारे साथ थे लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, मैं उन सबको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सो मच विनोद रामचंद्रन जी, प्लीज आइए। सर, थैंक यू सो मच सर। लॉकडाउन के इस कठिन समय में हम सब लोगों को पता है कि जैसे पेशेंट्स जितने थे वो जो आ जा थे वो आप अपने लोकेशंस पर ही थे, और इस बीच में हमारे ये सभी बंधु जितने हैं इन्होंने बहुत बड़ा हमें योगदान किया। आशा वालन जी प्लीज आइए। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मयूर शिंदे जी का। और साथ में मधुकर वालन जी। मैं मयूर बेलारे जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आइए सर प्लीज। और मयूर भाई, आप सब जानते हैं कि एकदम कर्मठ हमारे और लोकप्रिय और हमारे खास लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर जो एकदम सक्रिय रहते हैं, सबसे पहले इन्हीं का सबसे बड़ा साथ और योगदान रहा है। थैंक यू सो मच मयूर भाई। मित्रों, जिस दिन महेंद्र दुराल सर जी ने मुझे पहली बार अप्रोच किया था लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के लिए, मुझे बताने में कोई डर नहीं लग रहा है। मैंने मेरी माँ को इस कैंसर रोग में खोया है। तब मैंने उनको कहा था कि महेंद्र सर, जब जब किसी भी कार्य के लिए जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आज भी, ये सम्मान के लायक तो नहीं था लेकिन इनका बड़ापन है, मैं कल भी एक आवाज पे महेंद्र सर के साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का, आप सभी यहाँ पधारे हुए महानुभावों का, कि आप लोगों के साथ सहकार और सहयोग से ही ये कार्य लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन आज तक चलाता आया है और आगे भी चलाएगा। तो एक बार फिर लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी महानुभाव का, जो आप हमें सहकार्य दे रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए, और आप यहाँ पधारे उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत दिनों से ये तमन्ना थी कि एक दोस्ती विहार का हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए था, जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी पेंडिंग हो गया था। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है,
देर में कुछ अच्छा ही ऊपर वाले ने चाहा होगा। वेलफेयर फाउंडेशन ऐसे म्यूजिकल इवेंट्स पूरे हिंदुस्तान भर में करते रहते हैं और हिंदुस्तान में करते करते हम उनके मार्फत जो फंड मिलता है, जो कैंसर पीड़ित पेशेंट हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों से अपनी ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे आते हैं, उनको हम फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। उसकी कोई शुल्क नहीं लेती है, कहने को तो हम उनको खाली एकोमोडेशन देते हैं, बाकी बहुत मदद कर लेते हैं। लिव लाइफ की स्थापना हमारे महेंद्र दुराल जी ने की थी, उन्होंने एक शुरुआत की थी, बस कारवां जुड़ता गया, आप जैसे संगी साथी बहुत जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा कारवां बनते जा रहा है। दोस्तों, लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो पेशेंट्स को फ्री एकोमोडेशन दिया जाता है, अभी हम उसके लिए परेल में भी एक टाटा हॉस्पिटल के नज़दीक ढूंढ रहे हैं। टाटा हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जहाँ कैंसर पेशेंट्स का बहुत अच्छा उम्दा इलाज और बहुत किफ़ायती दर पे इलाज होता है, और जो बाहर से बेचारे पेशेंट्स आते हैं उनको फ्री एकोमोडेशन देकर कुछ ना कुछ फूल ना फूल की पाखड़ी की सहायता से हम उनको सपोर्ट करते हैं। लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन हिंदुस्तान के विभिन्न विभिन्न कोनों में ये ऐसे म्यूजिकल इवेंट करता है और उनकी सहायता के लिए हम जुड़ते रहते हैं। इस संस्था में हमारे जो कैंसर पीड़ित सदस्य आते हैं, जो हमारे भाई बहन जो इस रोग से पीड़ित हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका देते हैं, उनको गीत संगीत सिखाया भी जाता है, उसका भी कोई निःशुल्क उसका भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के संस्थापक हमारे महेंद्र दुराल जी हैं। मैं कहूँगा दो मिनट मेरे साथ मंच पे आ जाएंगे। महेंद्र दुराल जी के लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये मेरे गुरु जी हैं, महेंद्र सर हैं, मुझे गीत संगीत में थोड़ा सिखाते भी हैं। आज के हमारे बीच कुछ गेस्ट हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, मैं सचिन सहानी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज मंच पर आ जाइए महेंद्र सर जी। गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज दीप प्रज्वलन कर ले। गणपति बाप्पा मोरिया। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में, सचिन जी एक मिनट रुके ना, जब हम पहले गणेश वंदना करते हैं, गणेश जी का नाम करते हैं, तो हमारे इस कार्य के जो भी विघ्न होंगे वो हमारे गणपति बाप्पा दूर कर देंगे, ऐसी हमें विश्वास है। सचिन सर अपने बिजी सर से समय से शेड्यूल से हमारे लिए कुछ समय निकाल के आए, मैं महेंद्र सर जी से कहूँगा कि उनका ये सम्मान चिन्ह देखकर उनका सत्कार कर लें। लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सचिन सहानी सर जी का सत्कार करेंगे। सर, शब्द संस्था के लिए दो शब्द। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ आए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और इस संस्था को माननीय महन जी जिस कार्यक्रम को करते जा रहे हैं उसमें शुरू से ही मैं महन जी के साथ में ही हूँ और आगे भी रहूँगा, संस्था के लिए जो भी सहयोग रहेगा मैं करते रहूँगा, धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का थीम है दिल तो है दिल, दिल तो है दिल। दोस्तों, हम ये वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं। वैलेंटाइन वीक मतलब वैलेंटाइन माँ बेटे का भी होता है, बाप बेटी का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, तो दोस्तों वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत का पहला ये गीत बेहतरीन सिंगर संपदा जी, जोरदार तालियों के बीच संपदा जी को बुलाएंगे। दिल तो है दिल टाइटल सॉन्ग लेकर आ रही हैं संपदा कटकल जी, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने। आगे आगे
संपदा जी थैंक यू इतना। संपदा जी एक मिनट रुकिए दोस्तों, जब कार्यक्रम की शुरुआत इतने अच्छे मधुर गीत और इतने सुंदर आवाज के साथ हो तो आगे का भी आप देख लीजिए। संपदा जी हमारे बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और बहुत ही बिजी सिंगर है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध लो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध लो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आँखों का जादू जो शामिल हुआ मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखे वही आज बेहोश है, जिसको देखे वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखे वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया।
एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। थैंक यू। 1981 में उमराव जान फिल्म आई थी जिसके बेहतरीन गीत बहुत फेमस हुए थे, उनमें का एक चुनावा गीत रेखा जी पर फिल्माया गया हुआ। सोमा चक्रवर्ती जी हमारे बीच हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। जोरदार तालियां सोमा मैडम के लिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बेहतरीन। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो थैंक यू महेंद्र जी, फर्स्ट टाइम आपके साथ यहाँ पे हूँ एंड आई होप कि बहुत अच्छा, मतलब आप काम भी कर रहे हो। भगवान आप सबकी दुआ जो है वो कबूल करे। जो गाना मैं लेके आ रही हूँ मुझे बहुत पसंद है। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दीवारों दर को गौर से पहचान
के गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब सोमा जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर गाया आपने। दोस्तों, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, वाह, ऐसा गीत और इतनी सुंदर आवाज, जोरदार तालियां सोमा जी के लिए। सोमा जी पहली बार हमारे इस ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ा लेते हैं कारवां। हमारे बीच एक सिंगर हैं सुरेश पांचाल जी, वो पता नहीं क्यों मुझे रोज कहते हैं मेरी घरवाली की जोली के लिए, दिल में हो तुम, आंखों में हो तुम। अरे भैया, मैंने सुन लिया, क्यों आप बार बार मुझे दौड़ाते हो। आपके सामने ले आ रहे हैं बप्पी दा का एक बेहतरीन गीत, दिल में हो तुम आंखों में तुम, कह दो। दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। पूजा करो, सजदा करो, thank you.
अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा। अकेला हूँ मैं अकेला, जॉली मैडम, जोरदार तालियां सुरेश की। दोस्तों, इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं सूरज जी को बुलाना चाहूंगा। आपके समक्ष ला रहे हैं किशोरदा का एक बेहतरीन गीत याराना फिल्म से, बोले ओ बोले। जोरदार तालियां सूरज भाई के लिए। हेलो हेलो हेलो, बोले
राधे भोले हो भोले। सूरज जी थैंक यू। मैं जाऊं
सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मदद सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है। सौ बातों की एक बात है, मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा मुसाफिर थैंक यू। दोस्तों कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रकाश भाई आज दूसरी बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, थैंक यू प्रकाश भाई, बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब मैं जिस कलाकार को बुलाने जा रहा हूं वो महारथी है। दिखने में जितने सिंपल है, अंदर उतने गुणी है, उतने उनमें गुण है। डर्टी पिक्चर का गीत विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया हुआ। गीत के बोल मैं बताऊं या आप सुनना चाहोगे? सुनने का मजा आएगा। लेट्स पुट योर हैंड टुगेदर फॉर महेंद्र दुराल जी। महेंद्र दुराल जी, डर्टी पिक्चर का गीत विशाल शेखर के संगीत पर। हेलो हेलो हेलो, ये गाना हम लोग मिलके गा सकते हैं। रब की कमाई है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, किसी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई, गिरता सजना है इश्क कोई, उठता सकलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपता है इश्क कोई, आंखों में दिखता है मेरे दिल को।
अब से आगे चल के है तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सुफियाना मेरा इश्क सुफियाना मेरा इश्क सुफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सुफियाना मेरा इश्क सुफियाना मेरा इश्क सुफियाना चलते चलते हाथ छूट जाएंगे ऐसी राहों में मिलो ना बातें बातें करते करते रात कट जाएंगे ऐसी राहों में मिलो ना क्या हम है क्या रब है जहाँ तू है वही सब है अच्छा गाते हैं उतने अच्छे कीबोर्ड वगैरह गिटार बजाते हैं बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी हैं और मैं क्या कहूँ और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने महेंद्र जी को देखा है जब कोई कैंसर पेशेंट हमारे उस रूम में आता है ये अपनी जी जान जुटा के उनकी मेहनत उनकी सेवा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां महेंद्र सर के लिए। मुकद्दर से कह दो कि अकेला नहीं हूं मैं। मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं। दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। ये बात मेरे महेंद्र सर को लागू होती दोस्तों। सचमुच में इन्होंने जितनी सेवा की है जो सेवा ही करते हैं और जो सिंसियरिटी से हमारी इस संस्था को बनाने में लगे हुए हैं दोस्तों सचमुच दुआओं का काफिला उनके साथ। चलिए ऐसे अच्छे प्यारे गीत के बाद एक और जोरदार गीत दिल थाम के बैठिए और विलास मारी। सस्ते कदम रसते कुछ तेज़
खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। क्या बात है संपदा जी, और हमारे टीम की तरफ से सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा संपदा जी का कि उन्होंने समय से समय निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को फरवरी महीने में यूजुअली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लोग लव और उसके सिलसिले में सभी गाने गाते हैं, शोज करते हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन, वो ये विश्वास रखती है और ये बिलीव करती है कि प्यार से हम लोग कोई भी बीमारी हो या कोई भी चीज जो हमें अचीव करना हो वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालियों से, जोर से तालियों से, गड़गड़ाहट से हमारे इस पूरे ऑडिटोरियम को वेरी गुड। संपदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
और दोस्तों, अगर हमें येसुदास जी का अगर नाम सामने अगर हमारे आए, संगीत रविंद्र जैन जी ने दिया हो, तो ऐसे कलाकारों का अगर नजरों के सामने अगर हमें जब चित्रण होता है तो हमें सीधे वादियां, गांव, उस तरह के पूरे ख्यालात में ले जाते हैं। तो अगले गीत की प्रस्तुति के लिए मैं तोमर जी को इनवाइट करूंगा स्टेज पर। उनका गीत है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। हेलो हेलो, गोरी के गांव में ऐसा ही होता है, गांव जाते हैं, गोरी को देखते हैं, माइक भूल जाते हैं, ऐसे सिंगर है मेरे भाई। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआरा काला जवारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलियाँ पहना दूँ, कुह कुह गाती कोयलियाँ को फूलों का गहना दूँ, यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो दिन के जमारे, दिन के जमारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे, आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा चंद्रमा जुआरा साधा जवारी, साधा जवारी। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गया जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की जवारे,
दिल की जवानी, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आँखी यारी। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारी। जैसे पहले कहा था कि संस्था को बढ़ाने के लिए हमारे साथ लोग बहुत दिलो जान से जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे एक मित्र दीपक कुमार जी हैं जो वसई विरार से आए हैं, वो भी आपको एक अच्छा गीत सुनाएंगे। हमारे बीच हमारे एक मित्र जो अभी घाटकोपर से आए हुए हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, पहली बार हमारे साथ इस मंच पर आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं। मैं इन्वाइट करूंगा प्रशांत धनवंतरी जी को। गीत के बोल है समा है सुहाना सुहाना, किशोर दा का एक बेहतरीन गीत। जोरदार तालियां प्रशांत जी के लिए। हेलो, वहां बैठता हूं तो बड़ी मस्ती करता हूं, यहां आने के बाद आपको पता है ना क्या होता है। अगर गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है, हर दिल में दे मोहब्बत जवान है। समा है सुहाना सुहाना, नजर से अफसाने कह रही है, नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर के जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्ता है, नजर बोली थी की खबर ही कहा है,
ऐश में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहां है। हर दिल में देखो मोहब्बत वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। आप एक और आपने रफी साहब को सुन लिया, आपने किशोर कुमार जी को सुन लिया, लता जी को सुन लिया, आशा जी को सुन लिया। अब मैं बुलाने जा रहा हूं यशोदास जी को हमारे बीच। हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर देवेन जोशी जी हैं, मैं उनसे आमंत्रित करूंगा मंच पर। देव यशोदास जी का गीत लेकर आ रहे हैं देवेन जी। गीत के बोल हैं आज से पहले आज से ज्यादा, रविंद्र जैन का संगीत वत किया हुआ यशोदास जी का। जोरदार तालियां देवेन जोशी के लिए। चेक चेक। आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में
खुशी को ढूंढ रहे थे, हम इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। थैंक यू। थैंक यू देवन जी, थैंक यू। कारवा आगे बढ़ाते हैं, हमारी एक और नई सिंगर जो आज दूसरी बार हमारे साथ मंच पर आ रही है, नीता काड़िया जी को मैं बुलाऊंगा। गीत के बोल हैं दिल दीवाना। जोरदार तालियां नीता जी के लिए। दोस्तों ये माइक पे जो कवर अभी हमारी नीता बहन लगा रही है, ये कोरोना के प्रिकॉशंस में हमने लगे लिया हुआ है, हर एक सिंगर्स को दिया हुआ है, वो अपना अपना माइक कवर यूज करके गा सकते हैं। प्रिकॉशन दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला से कुछ भी चाहे ना, ये पगला है दिल के इरादे क्या कहना,
वाह जी वाह। दोस्तों नीता बहन का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। गाना तो सभी गाते हैं, बराबर है। बाथरूम में गाना बहुत आसान है, इस मंच पे खड़े रह के आपको फेस करते गाना गाने के लिए हिम्मत चाहिए। और ये हमारी नीता बहन का सेकंड आज परफॉर्मेंस था, जो दूसरी बार मंच पे आई है। पिछली बार इन्होंने मुलुंड वाले शो में गाया था, ये हमारे रियल ऑक्टेव में सीख रहे हैं। आज आप देख सकते हो कि न्यू सिंगर होने के नाते इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। जोरदार तालियां नीता जी के लिए। थैंक यू नीता बहन। दो धमाकेदार सिंगर्स, धमाकेदार। आर यू रेडी फॉर द डांस? यस, ओके, लेट्स पुट योर हैंड टुगेदर फॉर सोमा चक्रवर्ती एंड महेंद्र दुराल जी के लिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात फिल्म का गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब ने और आशा भोसले जी ने। प्लीज जोरदार तालियां महेंद्र सर और जोरदार तालियां सोमा जी के लिए। दोस्तों मैंने कहा था कि ये कारवां महेंद्र जी ने जो शुरुआत की थी, कई नए साथी भी हमारे साथ जुड़ते गए, उसमें सोमा मैडम भी हमारे साथ एक नई जुड़ी हैं। ऐसे कारवां और जुड़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा तेरा आंचलिए प्यार से मैं भर दूं प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा थैंक यू सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे बाकी बेकार है यार मेरे ओ यार मेरे हाथ में एक हाथ है उस हाथ की क्या बात है क्या फासले क्या मंजिले एक हम सफर गर साथ है जिसकी किस्मत को कोई यूं संवार दे वो ही दिलदार है यार मेरे हो यार मेरे झूमे जमी झूमे गगन तेरे लिए हो के मगन खिलते रहे सपने तेरे महका रहे दिल का चमन जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे दिल की पुकार है यार मेरे हाँ यार मेरे सुनते थे हम ये जिंदगी गम और खुशी का मेल है हमको मगर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है कोई सब जीते सब कोई हार दे अपनी तो हार है यार मेरे हाँ यार मेरे सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे बाकी बेकार है यार हो दोस्तों दोस्ती विहार में आज पहला बार मैं ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ यहाँ का एक बंदा बड़ा परेशान करता है खुद का सामान संभालता नहीं है कभी चश्मा गिरा देता है कभी मोबाइल गिरा देता है अब मेरे पीछे पड़ा है
बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है भैया, दिल तेरा खोया, मैंने क्या गुनाह किया, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे, पता नहीं क्या है दोस्तों, प्लीज मदद करिए इसका दिल ढूंढने के लिए। विकी भट्ट जी आपके सामने ला रहे हैं, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया हुआ अनजान फिल्म का गीत, गीत के बोल है, बड़ी मुश्किल है खोया इसका दिल है, विकी भट्ट जोरदार ताली। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं, दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं, वो है सबसे हसी वैसा कोई भी नहीं, मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल, मुझे नहीं पता छाया है क्या नशा, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी, इतने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी, सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी, कितने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी, देखूं मुड़ के जिधर आए वो ही नजर, मेरी डगर मेरा सफर वो मेरी मंजिल, दीवाना है समा जागे है अरमान, रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल
दिल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहां मैं रबट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। Thank you so much. Thank you. याद
आखिर किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बाहर है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। दोस्तों हर बार हमारे रियल ऑक्टेव वाले कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लास्ट टाइम इवेंट में हमने मेडली किया था, जबरदस्त था, लाइव फेसबुक था। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप कभी लॉन्ग ड्राइव गए हो गाड़ी में? कभी लोनावाला कहीं दूर महाबलेश्वर वगैरह घूमने जाते हो, एफएम रेडियो चलता रहता है और अनु कपूर जी आपके साथ 92.7 पे जुड़े रहते हैं। आज एक अपन उसी तरह का एक नया फॉर्मूला अपना रहे हैं। अब इसके बाद जो गीत आएंगे वो बैक टू बैक आएंगे और मोस्टली सब गीत रफी साहब और किशोर दा के गाए हुए हैं। बैक टू बैक आएंगे और आप उसको आनंद लीजिए। वो कंपटीशन नहीं है दोस्तों, कंपटीशन नहीं है। हर सिंगर अपने कला अपने प्रदर्शन करता है, अपने हिसाब से गाता है। तो आज एक नया अपन एक कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के और किशोर दा के गीतों के साथ बैक टू बैक गीत चालू करते हैं। और आजकल वैसे ही सेल्फी का ज़माना है, सेल्फ सर्विस बहुत चलती है, तो इस गीत की शुरुआत मैं ही कर लेता हूँ पहले मेरे गीत के साथ। मोहम्मद रफ़ी जी का गाना मैं कहीं कवि न बन जाऊं। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तेरी अखड़ियों में देखा तो झलकता प्यार देखा। तेरा तीर मैंने देखा जो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, मेरा दिल उबा रहा है तेरा रूप सादा सादा। मेरा दिल उबा रहा है तेरा रूप सादा सादा। ये झुकी झुकी निगाहें कर प्यार दिल में ज्यादा।
मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बेहतरीन मित्र सिंगर किशोरदा की आवाज विलास माडिक जी। ला 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 ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, से रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धुनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे,
तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। थैंक यू। हेलो, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से मुसाफिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगे जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, कली से जिस्म को कितने बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से रिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाओ जगे वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा। खुदा भी आसमां से
जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। बहुत खूब, बहुत दीपक जी, सचमुच खुदा ने आपको। मैं अब बुलाना चाहूंगा सुरेश भट्ट जी को, प्लीज, किशोर दा का गीत। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारों ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। इतना सुहाना झूम रहा प्यार मेरा, हो पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा, साथी मुबारक जीवन में आना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने हैं, सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी हैं मेरे अपने, मेरी खुशी है ए दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारों ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आ
थैंक यू। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल सी मेहंदी लगाइन गोरे हाथों में, उतरवा है घटा काजल लगाइन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जो कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम थाएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे आपके तो सुन ली ऊपर वाले ने रणधीर जी। सूरज जी, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जोरदार तालियां सूरज जी। हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। ए सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। ए सारा जमाना रहा है
मान ले मेरी बात, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, ए सारा जमाना। मान ले मेरी बात, ए सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, ए सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, ला 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 ला। सारा जमाना बहुत खूब सूरज जी, बढ़िया। देवेंद्र जोशी जी अपनी आंखों में बसाकर अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों बसा कर कोई इकरार करूं, मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं, साथ छोड़े ना कभी तेरा कसम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हाय मैं किस तरह से प्यार का उजाड़ जी में आता
थैंक यू। बहुत खूब देवेन जी, बढ़िया। मैं बुलाना चाहूंगा प्रशांत जी को, गीत के बोले जिंदगी का सफर। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी सच्ची जिंदगी का सफर कोई जाना नहीं। मेरा
देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा।
दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, याद रहे कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए। छुबे लाख कांटे पतझड़ में भी फूल बाटे, दिल में छुबे लाख कांटे पतझड़ में भी फूल बाटे, हमने महारों के ही गीत गाए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जब ही मजा कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहे, भला कह गया या बुरा कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है दीपक कुमार जी, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। दोस्तों सुरेश पंचाल जी, प्यार 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 प्यार
चोर छुपे प्यार कभी हो ना चाहिए, रुत हो जवा फिर तो हमें होना चाहिए। अरे चोर छुपी प्यार कभी होना चाहिए, रुत हो जवा फिर तो हमें होना चाहिए। जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली। बच्चा लोग बजाओ ताली। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, हंसी कर न सका मेरा सामना। मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। अरे कोई हंसी कर न सका मेरा सामना, मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। छोकरे लोग बजाओ ताली। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। ला 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 बैठ के नहीं, हाथ हिला के दी। ये मेरा दिल यार का दीवाना प्यार का परवाना। आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यार तेरा बच के जाना। ये ऐसे बैठ के कैसे दिखेंगे सबको। Yeah.
सब जेंट्स डांस कर रहे, लेडीज को क्या हो गया भाई, जाग रहे हो ना सब? यस, thank you.
बिछरा हमें दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर बिछरा हमें दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना थैंक यू चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना दोस्तों हम कभी अलविदा नहीं कहेंगे बस यही मंगल कामना करेंगे कि आप सभी का जीवन सुखमय हो निरोगी जीवन हो आप सदा खुश रहो और ऐसे ही हमें साथ सहकार देते रहो इसी गीत के साथ आज का ये संगीतमय प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे फिर अगली तारीख को इस बीच हमारे खारगर में दो प्रोग्राम है मार्च में बट वो अलग शोज हैं तो उसके लिए हम शायद वहाँ हमारे ग्रुप के कुछ चुनिंदा सदस्य ही जाएंगे तो दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो अपना ख्याल रखिए सैनिटाइजर का उपयोग करें मास्क लगाना न भूलें अपना ख्याल रखें गुड नाइट शब्बा खैर खुदा हाफिज हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में पर अगर सही में इम्प्रेस करना है ना तो उस ऊपर वाले को कीजिए आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियां फैलाई जाए क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियां फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियां मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी।